तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर आज स्वामी शुद्धानंद बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल द्वारा लंगर भी लगाया गया। वहीं साथ ही इस कार्यक्रम में पानीपत के डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा खुद अपने हाथों से बच्चों में लंगर वितरित किया गया। एक बार सुनिए पानीपत के डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने क्या कुछ कहा। आदमी आचार्य जी एक नेक इंसान थे, जिन्होंने जो आज ये जो बच्चे ये हैं, आज उन्हीं की तो देन है ना। किसी का त्याग बलिदान, और आज उनके त्याग बलिदान के लिए तो ये भंडारे लगा रहे हैं। ऐसी नेक आत्माओं का ना, उनको तो नतमस्तक ही हुआ जाता है। उनके बारे में कहना सूरज को रोशनी दिखाना, सूरज मतलब सूरज को दिया दिखाना, ये ऐसे है देश का आने वाला भविष्य है। आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्या पता आगे बुढ़ापे में इनके साथ सेल्फी लेनी पड़े। आज तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा परमात्मा से मैंने इनके साथ सेल्फी लेनी पड़े बुढ़ापे में। और ऐसा है, निष्ठा, लगन और मेहनत, यदि बच्चे इस पे खरे उतरे तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग इनके साथ सेल्फी लेने में गर्व महसूस करेंगे। मैं खंडरा में नीरज के पास भी जाता रहता हूँ, एक बात कहता हूँ, वो ऊंचाइयाँ छुई पर वो हम्बल है। ज़िंदगी में आप चाहे कितनी ऊंचाई छू लो पर हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, उसी आदमी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इन बच्चों को मैं इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, छोटे लेवल पे भी आप जैसे स्टेट लेवल के चैंपियन बन गए तो एक घमंड आ जाता है कि मैं चैंपियन, नेशनल लेवल के बन गए, अरे कंपटीशन स्टेट पे नहीं है, कंपटीशन वर्ल्ड में, वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ आने के बाद हम्बल रहे ना, वही आदमी ऊँचा आदमी ऊँचा आत्मा। मैं इन बच्चों को ये कहता हूँ कि बस लगन मेहनत इस पे ध्यान दें, भविष्य आने वाला भविष्य इनके लिए सुनहरा होगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि आज स्वामी शुद्धानंद बलिदान दिवस क्यों मनाया गया। आज स्वामी शुद्धानंद जी का, जिन्होंने आर्य समाज में शिक्षा नीति को चलाया, कन्याओं के लिए गुरुकुल खोले, कांगड़ी गुरुकुल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, उन्हीं की ही देन है, उनका बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। और इस अवसर पर स्कूल की प्रबंधक समिति और आर्य प्रतिनिधि सभा, जिसके द्वारा ये सारे आर्य विद्यालय संचालित हैं, उन सभी के सहयोग से ये शुद्ध देसी घी का भंडारा सभी आमजनों के लिए स्कूल ने लगाया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पानीपत के उपायुक्त महोदय श्री वीरेंद्र दहिया जी और आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री राधा कृष्ण आर्य जी वो थे। उन्होंने बच्चों को चेक बांट कर, जिन बच्चों के स्पोर्ट्स में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे पोजीशंस आई थी, उन सबको चेक बांट के जो है वो इनाम से नवाजा है जी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज पानीपत के आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी शुद्धानंद बलिदान दिवस मनाया गया। साथ ही स्कूल द्वारा बच्चों को बताया जा रहा है कि आखिरकार कौन थे स्वामी शुद्धानंद जी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।